हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं मोनोक्रोटोफॉस 36% SL इंसेक्टिसाइड के बारे में। कौन कौन सी कंपनी यह टेक्निकल का व्यापारिक नाम में कीटनाशक दवाई दे रही हैं, इस टेक्निकल का काम करने का तरीका क्या है, फसलों पर कितना डोज है, कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है, कीमत, प्राइस, डोज, मात्रा के साथ साथ फुल रिव्यू करने वाले हैं। काफ़ी दिनों से चैनल पर कमेंट्स पड़े थे कि मोनोक्रोटोफॉस के बारे में डिटेल से जानकारी शेयर कीजिए। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बतला दें कि मोनोक्रोटोफॉस है यह एक रेड लेवल का इंसेक्टिसाइड है और इसको आप हरी सब्जियों में स्प्रे ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। और कई राज्यों पर यह जो मोनोक्रोटोफॉस है यह बैन भी है, रेड लेवल का है, कई राज्यों पर बैन भी है। हरी सब्जियों पर स्प्रे ना करें और यदि कुछ ऐसी सब्जी हैं जिनकी आप हार्वेस्टिंग करने वाले हैं तो उन पर भी आप दोस्तों तुरंत स्प्रे ना ही करें। तो कौन कौन सी फसलों पर स्प्रे किया जा सकता है, क्योंकि यह काफ़ी राज्यों पर बैन कीटनाशक है, लेकिन फिर भी कमेंट्स आ रहे थे तो इसकी जानकारी शेयर ज़रूर करेंगे। कुछ फसलों पर दोस्तों इस कीटनाशक का स्प्रे आप बेझिझक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मोनोक्रोटोफॉस 36% जो कि SL फॉर्म में आती है, कौन कौन सी कंपनी दे रही हैं। तो अनमोल एग्रो कंपनी की मोनोफॉस के नाम से दे रही है, इसके अलावा UPL की पोस्टकिल के नाम से आती है, इसके अलावा स्वेल की मोनो स्टार के नाम से आती है और काफ़ी कंपनी यह टेक्निकल जो है वो बाजार में अलग अलग नामों से यह टेक्निकल दे रही हैं। मोड ऑफ एक्शन के ऊपर दोस्तों बात करें तो यह एक सिस्टमिक के साथ साथ कॉन्टैक्ट एक्शन तरीके से कीटों को कंट्रोल करता है, यानी स्पर्श नाशी भी है और अंतर प्रवाही भी, यह दोनों एक्शन से यह कीटों को कंट्रोल करता है। कीटों के नर्वस सिस्टम को एक प्रकार से पैरालाइज करके उनको भूखा मार देता है और इसमें स्टमक पॉइजन एक्शन भी होता है दोस्तों, जिससे कीटों का जो पेट होता है वहाँ पर पॉइजन पैदा होने के कारण कीट मर जाते हैं। और जानकारी के लिए आपको बतला दें कि इसको आप अनाज वाली फसलों पर या फिर कुछ चुनिंदा फसलों पर ही स्प्रे करें, सब्जियों पर स्प्रे ना ही करें। प्लस इसमें कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक है तो काफ़ी अच्छे तरीके से है कीटों को कंट्रोल करता है। तो कीटों के नाम के ऊपर बात करें कि कौन कौन से कीटों को यह कंट्रोल करता है, तो यह प्रमुख रूप से VPH ब्राउन प्लांट हॉपर, ग्रीन लीफ हॉपर, इसके अलावा स्टेम बोरर को कंट्रोल करता है, लीफ होल्डर को कंट्रोल करता है, थ्रिप्स, एफिड्स, मिलीबग, इसके अलावा वॉल वर्म और माइट्स को भी कंट्रोल कर लेता है। कौन कौन सी फसलों पर आप स्प्रे कर सकते हैं, तो देखिए यदि आप सब्जियों पर ही स्प्रे कर रहे हैं तो आपको थोड़ा लंबे समय बाद यदि हार्वेस्टिंग करना है तो आप हरी सब्जियों पर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसको आप प्रमुख रूप से धान, कपास, मक्का, गन्ना, आम की फसल पर या फिर कोई बागबानी है अनाज वाली फसलों पर आप दोस्तों स्प्रे कर सकते हैं। सब्जियों पर ध्यान रखना है कि यदि मान लो आपने आज स्प्रे कर दिया तो कम से कम 20 दिन तक आपको हार्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, इस हिसाब से आप सब्जियों पर स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन यदि ईजिली तरीके से उपलब्ध हो पा रही है तभी मोनोक्रोटोफॉस का आपको स्प्रे करना चाहिए। कई राज्यों पर यह बैन भी है और हमारा उद्देश्य किसी केमिकल दवाई को, किसी मोनोक्रोटोफॉस या फिर जो कंपनी मोनोक्रोटोफॉस बना रही हैं उनका प्रचार प्रसार करना बिल्कुल भी नहीं है। किसानों के कमेंट्स आ रहे थे तो दिस वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस, किसानों की नॉलेज पर्पस से यह वीडियो बनाई जा रही है कि मोनोक्रोटोफॉस, क्योंकि पहले तो काफ़ी ज़्यादा यूज और इस्तेमाल की जाती थी, थोड़ा सा रेड लेवल का जरूर यह इंसेक्टिसाइड है, तो यह जो मित्र कीट होते हैं जैसे मधुमक्खी भंवरे को, इनको भी यह मतलब ख़त्म कर देता है। तो यह वीडियो केवल नॉलेज पर्पस से है, किसानों का नॉलेज बढ़ सके कि कैसे मोनोक्रोटोफॉस कंट्रोल और काम करती है। बात कर लेते हैं डोज के बारे में, तो इसका जो डोज है दोस्तों 15 लीटर पानी में आपको 20 ml की दर से स्प्रे करना है और एक एकड़ में 150 से 200 लीटर पानी में 200 ml की दर से स्प्रे करना चाहिए। यह डोज एकदम सही है। प्राइस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, कीमत के ऊपर बात करते हैं, तो इसकी जो कीमत है एक लीटर की कीमत 600 से 650 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। 100 ml की दोस्तों जो कीमत है लगभग 65 से 70 रुपये के आसपास की कीमत देखने के लिए मिलती है। रिजल्ट के ऊपर बात करें तो इसको स्प्रे करने से रिजल्ट कितने दिन तक मिलता है, लगभग 10 से 12 दिनों तक रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। स्प्रे करने के बाद दोस्तों कम से कम
दो से ढाई घंटे तक बरसात नहीं होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बतलाया कि मोनोक्रोटोफॉस कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करती है, कौन कौन सी फसलों पर आप स्प्रे कर सकते हैं। क्या दोस्तों मोनोक्रोटोफॉस को अन्य कीटनाशक के साथ, एनपीके के साथ या फिर फंगीसाइड के साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं? जी हाँ दोस्तों, आप एनपीके हो या फिर फंगीसाइड हो, कीटनाशक हो, टॉनिक के साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके हिसाब से क्या यह कीटनाशक फसलों पर लगातार अभी स्प्रे होना चाहिए या फिर नहीं, क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन खाली पड़ा हुआ है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बतलाइए। मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग, ज्ञानवर्धक, महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।